नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने शब्द सुना है डिग्री और आदेश, यानी न्यायालय ने डिग्री जारी कर दी, या कई बार हम सुनते हैं कि न्यायालय ने आदेश दे दिया। सो व्हेनेवर वी हर्ड द टर्म डिग्री एंड ऑर्डर, सो ऑफन पीपल कंफ्यूज, उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि डिग्री क्या होती है और ये ऑर्डर क्या होता है। आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेक्चर है जो हम समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे डिग्री और ऑर्डर होता क्या है। So, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में, और टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिग्री और आदेश में अंतर। डिग्री को हिंदी में आज्ञप्ति और आदेश यानी ऑर्डर। तो वी आर टुडे डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द डिग्री एंड ऑर्डर। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक लाइन में हम समझ लें सिविल सूट क्या होता है। आप सभी को पता है दो प्रकार के केसेस होते हैं, वन इज कॉल्ड क्रिमिनल केस जिसको हम फौजदारी कानून या आपराधिक केस कहते हैं, और दूसरा होता है सिविल कानून जिसे हम दीवानी कानून कहते हैं। तो आज का ये दोनों टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिग्री और आदेश, ये पढ़ने वाले हैं हम सिविल केसेस में। हम सभी को पता है कि जो सिविल केस होते हैं, सिविल सूट्स कौन से होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी के मामले होते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर मैं हूं, कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है ऑनर मैं हूं, तो प्रॉपर्टी में ऑनरशिप का झगड़ा हो, प्रॉपर्टी में पदेशन यानी कब्जे का झगड़ा हो, और किसी प्रॉपर्टी में पार्टीशन का प्रॉब्लम हो, पार्टीशन मतलब बंटवारे की प्रॉब्लम हो, हिस्सेदारी की बात हो, तो प्रॉपर्टी के सारे मुकदमे जो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में राइट्स यानी अधिकारों की बातें प्रश्न करते हैं, भले वो मकान मालिक किराएदार का डिस्प्यूट हो, भले वो ज्वाइंट फैमिली में पार्टीशन की प्रॉब्लम हो, तो जिसमें राइट्स की प्रॉब्लम है, राइट्स यानी अधिकारों की जो मुकदमे होते हैं वे सारे सिविल केसेस कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे भी सारे मामले जिसमें मॉनेटरी मतलब वित्तीय मामले हो, धन संबंधी जो मामले होते हैं जिसमें मनी रिकवरी सूट होता है, या कई बार हम लोगों ने माल भेज दिया पर सामने वाले ने पेमेंट नहीं दिया, किसी ने हमसे रुपए बोरो किए लेकिन बोरो करने के बाद पेमेंट नहीं दे रहा है, तो ये दीज ऑल मैटर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल सूट्स। तो इन सबको सिविल सूट कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी के मामले हो, अधिकारों के मामले हो, धन संबंधी मामले हो, मौद्रिक लेनदेन के मामले हो, ये सब सिविल सूट्स में आते हैं। और जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो सिविल सूट का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जो आखिरी मंजिल होती है सिविल सूट की, वो होती है डिग्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डिग्री, जिसको हम आज्ञप्ति कहते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारे देश का सिविल कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसकी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री को डिफाइन किया गया है। ठीक उसी प्रकार ऑर्डर जो है इसी सीपीसी में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा सेक्शन 214 में ऑर्डर को डिफाइन किया गया है। यदि हम डिग्री को हिंदी में कहें तो ये आज्ञप्ति कहलाई जाती है, डिग्री को आज्ञप्ति और ऑर्डर को हम आदेश कहते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं, उस इलस्ट्रेशन से आपको डिग्री और आदेश में बहुत काफी हद तक अंतर समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर ए ने बी के ऊपर मनी रिकवरी सूट लगाया। मान लेते हैं कि ए ने बी के खिलाफ मनी रिकवरी सूट, यानी मनी रिकवरी का मतलब होगा धन वसूली का एक केस लगाया। ए यहां पर वादी हो गया, जो केस लगाता है वो प्लेंटिफ हो जाता है, प्लेंटिफ यानी वादी, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध केस लगाया जाता है वो व्यक्ति डिफेंडेंट कहलाता है, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। तो ए वादी ने बी प्रतिवादी के खिलाफ मनी रिकवरी का सूट लगाया कि मैंने 1,00,000 रुपए उधार दिए थे बी को जो नहीं दे रहा है, उसके पास प्रॉमिसरी नोट है, जो कुछ भी है। तो यहां पर वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध 1,00,000 वसूली का सूट लगाया, तो ये दीवानी सूट हो गया, दीवानी मतलब सिविल सूट हो गया। अब यदि सूट का जो फाइनल डिसीजन निकलता है उस फाइनल डिसीजन को डिग्री कहा जाएगा। यदि मान लीजिए ए जीत जाता है तो हम ये कहेंगे ए हैज गॉट द डिग्री अगेंस्ट बी रुपीज रिकवरी ऑफ मनी ऑफ रुपीज 1,00,000, यानी ए को 1,00,000 रुपए वसूली का डिग्री मिल गया। डिग्री का मतलब फाइनल एडजुडिकेशन, न्यायालय द्वारा फाइनल उस केस को डिसाइड कर दिया गया और ए के पक्ष में निर्णय दे दिया गया। तो यहां पर ए सूट में जीत जाता है, यानी सूट उसका सूट में विजयी हो जाता है, तो उसको डिग्री मिलेगा। पर मान लीजिए इसी दौरान ए द्वारा अथवा बी द्वारा केस के दौरान कई एप्लीकेशन फाइल की जाती है, एप्लीकेशन मतलब कई बार आवेदन लगाए जाते हैं। जैसे कोई आवेदन हो सकता है कि किसी पार्टी को ऐड करने के लिए, मान लीजिए कि ए जो है असमर्थ है न्यायालय में आने के लिए, तो उसने अपने पुत्र सी को अथोराइज कर दिया कि मेरी तरफ से सी मामला देखेगा। तो न्यायालय में केस लगाया जाता है कि ए अगर एक आवेदन लगाता है कि मेरी तरफ से सी इस मामले को देखेगा जो मेरा पुत्र है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो न्यायालय यदि उस आवेदन को डिसाइड करता है तो ये डिग्री नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं। तो सूट का फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट डिग्री होता है, लेकिन आदेश जो होते हैं वो किसी भी एप्लीकेशन से, जरूरी नहीं ए लगाए बी भी लगा सकता है। मान लीजिए कि बी जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो बी के जो एलआरस हैं, एलआर मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड पर आते हैं और उनके द्वारा कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है, तो बी द्वारा भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है।
तो यहां पर एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पर न्यायालय जो डिसाइड करता है उसे डिग्री नहीं कहते, उसको आदेश कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो यहां आपको समझना आया होगा कि एक केस में डिग्री एक ही हो सकती है, यहां मैक्सिमम दो हो सकती है, क्योंकि डिग्री दो प्रकार की होती है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, लेकिन आदेश तो सेवरल हो सकते हैं, सेवरल मतलब अनेक आदेश हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सिविल केस की जो फाइल होती है वो धीरे धीरे बहुत मोटी हो जाती है, क्योंकि बीच में अनेक बार दोनों पार्टीज एप्लीकेशन फाइल करती हैं, उस एप्लीकेशन का एडजुडिकेशन होता है, निर्णय होते हैं, तो उसमें आदेश होने लग जाते हैं। अब हम आदेश को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आदेश सिविल कोड का ही एक प्रकार का डिसीजन होता है, तो आदेश भी सिविल न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला एक डिसीजन होता है, बट इट इज नॉट डिग्री, लेकिन ये डिग्री नहीं होता है। तो अगर डिग्री होता तो फिर आदेश नहीं होता, तो ये कह रहा है कि ये डिग्री नहीं होता है, सिविल कोड का ही डिसीजन होता है, और ये स्टार्ट होता है किसी एप्लीकेशन से, यानी किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन फाइल की तो उसकी उसका आदेश आएगा। नॉट कंक्लूसिव, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है, ये कंक्लूसिव यानी अंतिम नहीं है, कभी भी बदल सकता है। सेवरल ऑर्डर, एक केस में न्यायालय सेवरल ऑर्डर यानी बहुत सारे आदेश कर सकती है, बट ये प्रिलिमिनरी और फाइनल नहीं होते हैं। डिग्री जैसे दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री, लेकिन आदेश में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, आदेश एक ही होता है, इसमें कोई प्रिलिमिनरी और फाइनल नहीं होता है, और आदेश अपीलेबल नहीं होते। नॉर्मली आदेश जो न्यायालय करेगी वो अपील उसकी नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में ही, कुछ ही आदेशों की अपील हो सकती है, हर आदेश की अपील नहीं होती। लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं है, डिग्री में हर डिग्री की अपील होती है, हर डिग्री अपीलेबल होती है। जो व्यक्ति असंतुष्ट है डिग्री से, वो व्यक्ति हायर कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है ना, वो अपीलेबल होता है। तो डिग्री जो होती है, अब डिग्री की हम बात करें तो इस फाइनल एडजुडिकेशन, डिग्री फाइनल होती है, फाइनल मतलब कंक्लूसिवली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यानी न्यायालय अंतिम रूप से अधिकारों को, पक्षकार के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप देते, निश्चयात्मक मतलब फाइनलिटी टच, फाइनल टच दिया जाता है। तो ये कंक्लूसिव होती है, दो प्रकार की होती है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, यानी दो प्रकार की, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री, ऐसे दो प्रकार की होती है। और डिग्री का प्रारंभ सूट से होता है, यानी सूट इसका प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु डिग्री है, यानी अगर हम सूट को माउथ बोलते हैं तो डिग्री इज द टेल, तो उसकी पूछ है, तो सूट से प्रारंभ होती है। एंड राइट्स डिटरमाइंड, इसमें राइट्स का डिटरमिनेशन होता है, पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण कर दिया जाता है, और ये निर्धारण फाइनल होता है, और इसी के पास से बजावरी चालू होती है, बजावरी जिसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं, यानी डिग्री के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। तो जो ऑर्डर और डिग्री के बारे में कई बार सभी को कंफ्यूजन होता है, आज का लेक्चर उसी को डेडिकेटेड था कि कंफ्यूजन दूर हो सके। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी, थैंक यू सो मच।